आज की मांग 327 327। हम सबको जहाँ तक हम जागृत अवस्था में हैं तब तक बोलने का काम अवश्य करना पड़ता है। बिना बोले, बिना सुने, बिना देखे हम कोई व्यवहार, कोई काम नहीं कर पाते। इवन भगवत भक्ति का काम भी बोलने, सुनने, देखने से तो होता है, लेकिन बोलने का काम जिस वाणी से होता है वो वाणी प्रायः दो प्रवाह में बहती है, एक सुमधुर अमृत जैसी और एक कठोर विष जैसी। जो आदमी भाई या बहन मीठी, मधुर, कोमल, सबको हृदय में अच्छी लगे ऐसी वाणी बोलते हैं वो सबके लिए प्रिय बनते हैं, सबके आशीर्वाद के भाजन बनते हैं। लेकिन जिसकी वाणी कठोर होती है, किसी भी टाइम पे ऐसी वाणी बोलेंगे दूसरों को, सुनने वालों को हृदय में, मर्म स्थल में पीड़ा देगी। वो बिना लेन देन किए अभिशाप का, दूसरों के अपराध का या तो अप्रसन्नता का पात्र बनता है। तो हमको इस बारे में सावधानी मिले ऐसी ये आज की बात, आज की मांग में है। सुनिए, वाणी दोनों काम कर सकती है। कौन सा? किसी के मन में उतर जाना या तो किसी के मन से उतर जाना, बहुत थोड़ा सा फर्क है। मन में उतर जाना और मन से उतर जाना, किसी के दिल में प्रवेश जाना या तो किसी के दिल से उतर जाना, निकल जाना। मतलब किसी को हम प्राण प्रिय लगे ऐसी भी वाणी काम कर सकती हैं, और किसी को हम दुश्मन लगे, विरोधी लगे ऐसी भी वाणी ही काम कर सकते हैं। हम हमारी वाणी किस तरह से उपयोग में लेते हैं, इस जीवन में जिनको ऐसा अनुभव एक से भी ज्यादा बार हुआ हो कि मैंने बोलते बोलते बहुत को दुभाया है, मेरी वाणी में एक दोष है, मैं अचानक ऐसा बोल देता हूँ कि सबको दुख होता है, तो वो वाणी अच्छी नहीं है, कभी कभार अपराध कराएगी। कोई दीन, कोई दुखी, कोई भगवत भक्त होंगे, उसके दिल में मेरे ठाकुर जी बैठे होंगे और हम ऐसा बोल देंगे उसको क्षोभ जाएगा, समझ लीजिए भगवान का दिल डूब जाएगा। और यदि भगवान को दुख हो गया तो हमको सुख कौन देगा? इसलिए खैर, हो सकता है कभी हमारा ईगो हट हो गया, कभी ईर्ष्या का हम शिकार हो गए, या तो हमारा स्वार्थ, वासना, आसक्ति वश हम रुष्ट हो गए, लेकिन वो हमारा मामला है। यदि हम बोल देंगे किसी भी प्रकार का, बिना कंट्रोल बोलने लगेंगे तो अपराध हो जाएगा। बोलने से पहले हमको बहुत बार सोचना चाहिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा जिससे हम सदैव मधुर, मीठा, हितकर बोल करके सबको प्रसन्न करें, सबको सुख बांटे, लेकिन किसी को दुखदायी न बन जाए।